नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम दोनों परीक्षा 23 अगस्त की पाली एक और पाली दो संपन्न हो चुकी है और अब बच्चे जो सबसे ज्यादा परेशान है वो इसलिए है कि क्या सेफ स्कोर इस शिफ्ट का हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन का क्या फर्क पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो बातें चल रही है वो ये चल रही है कि पेपर का लेवल क्या था। हमारा पेपर तो बहुत कठिन आ गया, आपका पेपर बहुत आसान था, और ऐसे ऐसे जैसे जैसे आपके शिफ्ट बीतते जाएंगे, जैसे मान के चलिए कि 23, 24, 25, उसके बाद 30, 31, तो ये द्वंद्व चलता जाएगा कि कौन सा शिफ्ट ज्यादा आसान था, कौन सा शिफ्ट ज्यादा कठिन था। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि शिफ्ट आसान या कठिन के क्वेश्चन पे केवल नहीं डिपेंड करता, ये डिपेंड करता है कि आखिर आपका एवरेज स्कोर कितना गया है। तो एक बहुत बेहतरीन एनालिसिस लेके आप सभी के सामने आया हूं और यहां से आपके दिल को थोड़ा सा सुकून मिलेगा। ये आप जान पाओगे कि भाई क्या एवरेज स्कोर अभी तक का इस शिफ्ट में बच्चों का आ रहा है और अगर आपने कितना कितना आपने अटेम्प्ट कर दिया है जो ये मान के चला जाए कि आपका सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि पूरा जो 23 अगस्त का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 है, ऐसे में 24, 25 और उसके बाद देखा जाए 30, 31 का भी इंडिविजुअली शिफ्ट वाइज में आपका पूरा कट ऑफ एनालिसिस और सेफ स्कोर एनालिसिस लेके आऊंगा। ये आपका क्या रहेगा आपका सेफ स्कोर और आज के शिफ्ट का कट ऑफ एनालिसिस हम लोग एक बार देखते हैं। इसमें अगर देखा जाए सबसे पहले हम लोग जीएसजी के और स्टैटिक सेक्शन को देखते हैं। जीएसजी के में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पार्ट अगर देखा जाए, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो आपका स्टैटिक जीके पूछा जाता है। ये पूरा चार्ट मैंने आपको बनाया है उन बच्चों के आधार पर और साथ में जो पेपर का लेवल है उनके बेस पे ये बनाया है कि आपका सबसे ज्यादा प्रश्न कहां पे पूछा गया। तो क्वेश्चन पेपर ये खुद ही बोलता है कि भाई कहां से प्रश्न पूछा गया। पहले भी मैंने बोला था कि स्टैटिक जीके बोल दो या उसे मिसलिनियस जीके बोल दो या पुलिस जीके बोल दो, सबसे ज्यादा प्रश्न आपका यही पे पूछा जाएगा। जैसे जीएसटी हो गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया या फिर आपके पुलिस की रैंकिंग हो गई, इनसे प्रश्न आपके ज्यादा से ज्यादा पूछे जाएंगे और पूछा गया। शिफ्ट 1 में 9 प्रश्न थे, वहीं पे शिफ्ट 2 में 13 प्रश्न थे। अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स मतलब कि करंट इकोनॉमिक्स या यूपी की इकोनॉमिक्स, यहां पे दोनों सम्मिलित है और इसमें 4 और 5 प्रश्न क्रमशः शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे गए। साइंस में देखा जाए तो 4 प्रश्न शिफ्ट 1 में और 2 प्रश्न शिफ्ट 2 में पूछे गए। साथ में अगर इंटरनेट जैसे सोशल मीडिया से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए और इसमें 4 प्रश्न आपके शिफ्ट 1 में, 3 प्रश्न आपके शिफ्ट 2 में पूछे गए। पॉलिटी में देखा जाए तो 3 प्रश्न और 3 प्रश्न दोनों में लगभग बराबर पूछे गए और जियो हिस्ट्री और अगर देखा जाए यहां पर इनके वेटेज कम रहे हैं, 3-4, 3-4 और 2-4 क्रमशः रहे हैं। यूपी जीके का भी वेटेज अगर हम 17-18 फरवरी के शिफ्ट से कंपेयर करें तो काफी कम हुआ है। हालांकि यूपी जीके का मैंने कुछ स्टैटिक जीके और कुछ मैंने इकोनॉमिक्स में इंक्लूड कर लिया है, तो अगर वहां से निकाल के आए जाए तो 3 से 4 प्रश्न आपके यूपी जीके के यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ में अगर देखा जाए तो साथ में हम लोग रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग में अगर देखा जाए तो शायद कोई ऐसे टॉपिक नहीं है जहां पे एग्जाम ने इस टॉपिक को छोड़ा हो, लेकिन एक सबसे ज्यादा जो बच्चों को डर था रीजनिंग पोर्शन में, 2 पोर्शन, एक आपका मानसिक अभिरुचि और दूसरा आपका था स्टेटमेंट और अजम्पशन। मैं आपको बता दूं मानसिक अभिरुचि बिल्कुल गायब कर दी गई है। ऐसी संस्थाएं, ऐसे लोग जो मानसिक अभिरुचि का बहुत ज्यादा हवा बनाए थे, आप समझ में आ गया होगा कि आपका मानसिक अभिरुचि इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं था। लेकिन एक बात समझिएगा, 2 शिफ्ट में नहीं आया इसे बिल्कुल नहीं कहता है कि बाकी के 8 शिफ्ट में नहीं आएगा। हो सकता है अगले 8 शिफ्ट में किसी मानसिक अभिरुचि अच्छे से पूछ लिया जाए, हो सकता है स्टेटमेंट अजम्पशन पूछ लिया जाए। मैं एक बात हमेशा आपसे बोलता हूं कि जब पेपर ज्यादा शिफ्ट में बनता है तो क्वेश्चन पेपर की वैरायटीज बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है, वहां पर रेंज बढ़ जाते हैं और क्वेश्चन कई बार अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे आपने मैथ्स में और रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन को देखा है। तो यहां पर अगर देखा जाए सीरीज में, सीरीज के यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही अगर डायरेक्शन सेंस के देखा जाए तो डायरेक्शन सेंस के आपके यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन 5 और 4 पूछे गए हैं। यानी जो जिस टॉपिक पे ज्यादा पूछा गया उसको ऊपर रखा हूं और जिस टॉपिक पे कम पूछा गया उसको मैं क्या रखा हूं, नीचे रखा हूं। अगर आप एनालॉजी पे देखेंगे तो 5 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन के 5 और 5 है, कम सा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, कोडिंग के 6 और 1 है, ऐसे वेन डायग्राम के हैं, ऐसे क्लासिफिकेशन के, और सिमिलरली आपके बाकी जो ये टॉपिक है जैसे आपका फिगर काउंटिंग हो गया, मिरर इमेज हो गया, फिगर फॉर्मेशन हो गया, ऑर्डर सिक्वेंस हो गया, स्टेटमेंट अजम्पशन हो गया, डिक्शनरी वर्ड हो गए, रैंकिंग हो गए, इन सबके एक एक प्रश्न ही आपको देखने को मिलेंगे प्रत्येक शिफ्ट में। तो टॉपिक कोई नहीं छोड़ा है, लेकिन देखा जाए कि ज्यादा बल्क के क्वेश्चन सीरीज और डायरेक्शन में है। बट फिर भी मैं आपको एक बात बोलूंगा कि आप लोग ये धारणा मत बना लीजिएगा कि जैसा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में आया है ऐसे सारे शिफ्ट में आएंगे। ये केवल एक बोल संयोग बोल सकते हो कि अगर ऐसा आता है, वरना एक बात दिमाग में रखिएगा कि बहुत ज्यादा वैरायटीज आने वाली हैं,
बहुत सारे प्रश्न सफल होने वाले हैं। किसी सेक्शन में, किसी शिफ्ट में कोई आपका पोर्शन ज्यादा मिलेगा तो किसी शिफ्ट में कोई पोर्शन ज्यादा मिलेगा और इन सबका खेल बिगाड़ेगा नॉर्मलाइजेशन। इस बात के लिए आप लोग तैयार रहना क्योंकि इस बार पेपर आपका हो रहा है 10 शिफ्ट में। अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो इस बार बच्चों को सबसे ज्यादा जो परेशान किया वो मैथ्स। क्यों? क्योंकि मानसिक अभिरुचि का पार्ट कम हो गया। अब यहां पे बढ़ाना किसको था? अगर मानसिक अभिरुचि कम हो गया तो मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन में मैथ्स ही बढ़ाएंगे, क्योंकि पहले जब रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि वाला सेक्शन होता था, मानसिक अभिरुचि बढ़ता था तो रीजनिंग के प्रश्न कम होते थे। अब मानसिक अभिरुचि पूछा नहीं गया तो रीजनिंग का सेक्शन में रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा बढ़े। ऐसे में अगर मैथ्स वाले में भी रीजनिंग ज्यादा पूछ लिया जाता तो ऐसा लगता 50% केवल रीजनिंग आ गई है, जिसके कारण से मैथ्स में ज्यादा पूछा गया। अब मैथ्स में ज्यादा पूछा गया मतलब ये आप देखोगे रीजनिंग में तो मैथमेटिकल रीजनिंग पूछा गया जैसा उसने दे रखा था, और यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के सिलेबस में आप चाहे आप कांस्टेबल की भर्ती हो, चाहे एसआई की भर्ती हो, चाहे एसआई एएसआई की भर्ती हो, सब में अगर आप रीजनिंग का पोर्शन देखोगे तो रीजनिंग के पोर्शन में मैथ्स का मैथमेटिकल रीजनिंग का पोर्शन देता है और वैसा ही इसमें पूछा गया है। अगर देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड था नंबर सिस्टम, इससे प्रश्न बहुत हद तक कम हुए, और अरिथमेटिक जो सबसे कम एक्सपेक्टेड था वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रॉफिट लॉस से 4-4 क्वेश्चन है दोनों शिफ्ट में, एवरेज से 4-3 क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से 2-2 क्वेश्चन है, टीएसडी से टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2-5 क्वेश्चन है। इसमें अगर देखा जाए शिफ्ट 2 में बोट एंड स्ट्रीम के काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एसआई और सीआई का देखा जाए 3-2 क्वेश्चन है और काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें देखा जाए तो आपके जो सीआई और एसआई की बात करें तो इसमें आपके इंस्टॉलमेंट के भी प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। रेशियो में बात किया जाए तो मिक्सर एलिगेशन सब मिला लिया जाए 2-1 प्रश्न कम सा है। डीआई के शिफ्ट 3 में 3 प्रश्न है, शिफ्ट 2 में 3 प्रश्न है और शिफ्ट 1 में आपके 2 प्रश्न है। ऐसे ही परसेंटेज के 1-2 प्रश्न है। मेंसुरेशन के, मेंसुरेशन के यहां पे 4 प्रश्न है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कुछ ऐसे प्रश्न जो कोनिक सेक्शन को इंक्लूड किया जाए तो 4 होते हैं, हालांकि वो मैथ्स आप उसे मैथ्स में भी इंक्लूड कर सकते हो और मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट जो आपके मैथ्स के साथ है उसमें भी इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि वो परसेप्शन आपको एक टॉपिक दिया हुआ था परसेप्शन एंड डिसीजन मेकिंग, तो जो परसेप्शन टेस्ट वाला आपका टॉपिक था वो आपका वही जो आपका फिगर कटिंग वाला है। जैसे आप एक सिलेंडर को अगर तिरछा 45 डिग्री पे काटोगे तो आपका क्या आएगा, वाला मैथ्स का प्रश्न हो गया है ना। आपके ऐसे स्पेशल फिगर को जब कट करोगे हेक्साकॉन जिसका उत्तर आ रहा था, तो ऐसे प्रश्न आपके क्या होंगे, वो आपके मेंटल एबिलिटी में जाएंगे। बट फिर भी मैंने उसे इंक्लूड किया मैथ में और इस प्रकार से शिफ्ट 2 में मेंसुरेशन के क्वेश्चन बढ़े हैं। तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट तो मेंसुरेशन का ही है, और अगर बात किया जाए मिसलिनियस का तो 3 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में, और शिफ्ट 2 की बात किया जाए तो कोई मिसलिनियस क्वेश्चन ऐसा स्पेशल टॉपिक का मिला नहीं जो आपको यहां पे बात किया जाए। ठीक है, तो ये मैथ्स अगर देखा जाए, मैथ्स का ओवरऑल अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो 25 से 26 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में और 27 क्वेश्चन आपके शिफ्ट 2 में पूछे गए हैं। मतलब जो पहले मैथ्स 18-19 पूछा जाता था वो मैथ्स अब 26-27 पूछे गए हैं, और अगर आप डीआई को भी इंक्लूड कर लोगे तो 27-28 से कई शिफ्ट में 29 भी पहुंच सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकल जो मेंटल एबिलिटी के मैथ्स के पोर्शन को जोड़ लो, डीआई को जोड़ लो, मैथ्स कोर को जोड़ लो, तो मैथ्स के पोर्शन 28 से 30 के बीच में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए मैथ्स के कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रांग होना जरूरी है। तो जिन बच्चों का खासकर अब देखो 24 कल पेपर जिनका है या 25 में पेपर है, बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं मिलेगा, लेकिन 30-31 वाले बच्चों को थोड़ा सा अगर आप इन पोर्शन को देख के जाओगे तो थोड़ा सा आपको फायदा मिलेगा, यह बात ध्यान दीजिएगा। एक चीज और समझिएगा कि जैसे जैसे शिफ्ट बीतते जाएंगे वैसे वैसे शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा, बट इस बात की गारंटी नहीं है, हो सकता है कोई शिफ्ट आपका और भी आसान पूछ ले, लेकिन उसको बराबर करेगा नॉर्मलाइजेशन। हिंदी में देखा जाए तो सारे टॉपिक से ही प्रश्न बने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्णमाला, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, काल, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शुद्ध अशुद्ध, पर्यायवाची, अनेक शब्द, चिन्ह, संभिन्नात्मक जो आपके शब्द युग में है, मुहावरे, रस, अलंकार, साहित्य, गद्यांश, अध्याय, ठीक है, और इसके साथ आपके वाच्य के, तो ये सारे के सारे आपके क्या है प्रश्न पूछे गए हैं, और सबसे देखोगे एक दो क्रम से पूछे गए हैं। तो सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिफिकेशन है वो आपका हिंदी में है, हर टॉपिक से पूछा गया है, लेकिन पेपर का लेवल आसान रहा है। अब आते हैं सबसे बड़ी बात जो आप जानना चाहते हो कि आखिर क्या एवरेज स्कोर गया है और क्या सेफ स्कोर हो सकता है, कब हम अपने दिमाग को तसल्ली दें, कब अपने दिल को तसल्ली दें कि भाई हम सेफ जोन में हैं। तो ये बात समझिएगा कि एवरेज स्कोर अगर बच्चों के आंकड़ों के आधार पर किया जाए, अभी मैंने बच्चों का यहां पर देखा जाए तो गूगल फॉर्म का मैंने कुछ डेटा लिया था, बहुत सारे बच्चों ने इस पर दिया था, और आप भी ये गूगल फॉर्म का डेटा भर दीजिए ताकि मैं इस पर और डिटेल एनालिसिस लास्ट में जब सारे शिफ्ट खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको 30-31 या 1 तारीख को मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा कट ऑफ एनालिसिस आपको बताऊंगा। तो ये फॉर्म जरूर भर दीजिए जिसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आते हैं हम लोग की अगर एवरेज स्कोर की बात किया जाए तो लगभग 1000-1500 के बच्चों का आंकड़ा था, और इसमें एवरेज स्कोर अगर जीएस की बात किया जाए तो जीएस में बच्चों का ये मार्क्स है बेटा,
यहाँ पे मार्क्स है, ये क्वेश्चन मत समझिएगा, ये मैंने अंकों पे कैलकुलेट किया है। तो जीएस में अगर शिफ्ट वन में किसी बच्चे का 36 स्कोर आ रहा है तो मतलब ये एवरेज स्कोर आ रहा है, इसे सेफ स्कोर मत मानिएगा। ऐसे शिफ्ट टू में बच्चों का 38 आ रहा है, तो ये बता रहा है कि शिफ्ट वन की जीएस थोड़ी सी टफ थी और शिफ्ट टू की जीएस थोड़ी सी क्या थी, आसान थी। वहीं पर अगर हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में एवरेज स्कोर कितना आ रहा है, 54 आ रहा है, और शिफ्ट टू में कितना 58 आ रहा है, मतलब शिफ्ट टू की जीएस क्या थी, हिंदी जीएस और हिंदी आसान थी। ऐसे अगर रीजनिंग की बात किया जाए तो एवरेज स्कोर क्या है, एवरेज स्कोर यहाँ पे 87 है और यहाँ पे शिफ्ट टू में 89 है, और साथ में अगर मैथ्स की बात किया जाए तो एवरेज यहाँ पे क्या 36 है मैथ्स, और यहाँ पे शिफ्ट टू में 33 है। बट एक बात समझिएगा, शिफ्ट वन के बच्चों का डेटा ज्यादा आता है और शिफ्ट टू के बच्चों का डेटा कम आता है। जितना ज्यादा डेटा आएगा ये उतनी तरफ झुकता हुआ चला जाएगा। अभी आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे 36 और 38 आ रहा है, हो सकता है शिफ्ट टू का डेटा बराबर यानी 50-50% होता, मान के चलिए 70% डेटा इसमें शिफ्ट वन का था और 30% डेटा आपका शिफ्ट टू का था। अगर दोनों 50-50% होते तो ये जो 36 और 38 है ये मेरे ख्याल से 36-37 होता, या हो सकता है 36-36 ही होता, या उससे कम भी जा सकता था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो अभी ये क्योंकि आंकड़ों के आधार पे है एवरेज स्कोर, एक बार अगर पूरा अनुमान लगाया जाए कि आपका सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो एक बात समझिएगा कि अगर आंकड़ों के आधार पे देखा जाए तो आंकड़ों के आधार पे जिस बच्चे का जीएस में 35 स्कोर हो रहा है, 35 स्कोर कहने का मतलब ये हो गया कि जिस बच्चे का आपका, क्योंकि एक क्वेश्चन दो नंबर का है, और अगर आपने 17 या 18 प्रश्न जीएस में किए 38 में से, इसका मतलब कि आप बहुत अच्छा स्कोर किए हो, और ऐसे शिफ्ट टू में अगर आपने 37 किया है तो बहुत अच्छा स्कोर किए हो। बट फिर से मैं बोलूंगा क्योंकि शिफ्ट टू का आंकड़ा कम है, इस कारण से अगर कोई बच्चा यहां पर समझेगा डेटा आता तो ये और कम जाता, तो ये इसमें आप प्लस माइनस दो या तीन प्रश्न का टॉलरेंस लेके चलिएगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा बट 2-3 प्रश्न का टॉलरेंस आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ऐसे हिंदी में शिफ्ट वन में स्कोर एवरेज 55 गया है और शिफ्ट टू में स्कोर 60 आया है। यहीं पे देखा जाए तो यहाँ पे रीजनिंग में जो सेफ स्कोर की बात करो, रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि जो मानसिक अभिरुचि वाला पार्ट है, क्योंकि मानसिक अभिरुचि था नहीं, केवल रीजनिंग का पोर्शन था, और रीजनिंग अगर देखा जाए थोड़ा सा आसान आ रही है, बाकी तीन सेगमेंट से देखा जाए कुछ क्वेश्चन इसके आराम से बिल्कुल देख के ही लग जाते हैं, तो इस हिसाब से रीजनिंग का स्कोर कितना गया 85। और ये ध्यान दीजिएगा स्कोर 85 इसलिए गया क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 50 से 52 के बीच में वेरी भी कर रहे हैं, तो 50 यानी कि 100 नंबर में 85 नंबर बच्चा एवरेज स्कोर कर रहा है, और ऐसे यहां पे क्या है शिफ्ट टू में 88 आ रहे हैं। जबकि अगर जीएस का देखा जाए तो जीएस के आपके पास 38 ही क्वेश्चन है, ऐसा अगर हिंदी की बात किया जाए तो यहां पे 37 है, तो 37 क्वेश्चन में 55-60 यानी कि 74 नंबर में 55-60 कोई बुरा स्कोर नहीं है, और यह आपका क्या है सेफ स्कोर की तरफ जाता है। ऐसे अगर हम लोग मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में इस बार संख्या ज्यादा बढ़ी है और मैथ्स में इस बार 25 से लेकर 27 प्रश्न इस बार देखने को मिले, मतलब 50 से लेकर 54 नंबर में अगर 35 नंबर आपके आ रहे शिफ्ट वन में और 30 नंबर आपके आ रहे शिफ्ट टू में, तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर पे हो। और अगर टोटल की बात किया जाए तो ये मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बता रहा हूं, अगर कोई बच्चा अनरिजर्व कैटेगरी का 210 नंबर के आसपास पा रहा है और ऐसे शिफ्ट टू में 215 के आसपास पा रहा है, तो ये मान के चलो कि आप क्या हो, आप सेफ कैटेगरी में हो। अगर महिलाओं की बात किया जाए तो आप इसमें 10-15 नंबर कम कर लीजिएगा, ऐसे ओबीसी में 5-7 नंबर कम कर लीजिएगा, और एससी एसटी में आप 15 से 20 नंबर कम कर लीजिएगा, मतलब कि आप अगर 190 भी पा रहे हो तो आपका सेफ जोन में हो, सेफ स्कोर है। और इस बार अगर देखा जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भी फर्क पड़ेगा, और नॉर्मलाइजेशन 10 शिफ्टों में होंगे तो जो शुरुआत के आपके शिफ्ट होते हैं उनको फायदा ज्यादा मिलता है और जो बाद के शिफ्ट होते हैं उनको फायदा कम मिलता है। कारण भी ये है क्योंकि जब लास्ट का जो बच्चा देता है इतनी सारी एनालिसिस देख के, पेपर सॉल्यूशन देख के, उसी टाइप के क्वेश्चन को पढ़ के उसका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये पेपर समझिएगा, क्योंकि स्कोर बढ़ गया भले ही उसका पेपर कठिन रहा होगा लेकिन उसके उसके शिफ्ट का एवरेज स्कोर ज्यादा आएगा। तो मैं बार बार बोलता हूं कि ये आज के समय में नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, तो नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा महत्व रखता है। और नॉर्मलाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, पेपर के हार्ड या आसान पे नहीं, इस पे डिपेंड करता है कि किस शिफ्ट का एवरेज स्कोर ज्यादा या कम रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पहले दिन का शिफ्ट होगा, पहली शिफ्ट होगा, दूसरा शिफ्ट होगा, उसका एवरेज स्कोर कम रहेगा, और जैसे जैसे समय बीतते जाएंगे उनका एवरेज स्कोर बढ़ता जाएगा। इस कारण से जो पहले शिफ्ट के होते हैं उनको फायदा ज्यादा मिलता है और जो लास्ट के शिफ्ट होते हैं उनको फायदा कम मिलता है। इन नॉर्मलाइजेशन में किसी का नुकसान नहीं किया जाता, सबको बराबर लाया जाता है ताकि सब लोग एक ही धार में आए। और इस कारण से आप जो पहले दिन के 23 वाले बच्चे हो, ये जो मैं आपको एवरेज स्कोर 210 के आसपास बता रहा हूं, मतलब महिलाओं का 190, एससी एसटी का 150, 190 के आसपास, ओबीसी का 200 के आसपास,
आपके स्कोर बढ़ेंगे, आपके स्कोर हो सकता है 15-15, 20-20, 30-30 नंबर बढ़े और आप ये पहुंच जाओ 230-240 के। तो ये मत सोचो मेरा स्कोर कम है, अगर आपके 190-200 नंबर आ रहे हैं, इट मींस कि आप 31 वाले शिफ्ट के कंपैरिजन में आप 230-240 नंबर लेके आ रहे हो और ये आपके लिए सबसे ज्यादा फायदे की बात है। तो बिल्कुल डिमोरलाइज मत होइए, होपफुल रहिए। और आने वाले जो बच्चे आने वाले शिफ्ट हैं उनको भी मैं बता दूं कि आप लोग मेहनत करते रहो, साथ में जो बच्चे अभी फॉर्म नहीं भरे हैं इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, तो आप लिंक से आप इसको में भर दीजिए ताकि मेरे पास सही डेटा आ जाए और मैं कट ऑफ एनालिसिस आपके लिए बहुत बेहतर कर पाऊं। बाकी आपके लिए जो स्पेशल टॉपिक है उनके लिए क्लासेस भी चलवाई जाएंगी, जैसे मैथ्स वाले या कॉनिक सेक्शन वाले क्वेश्चन में खुद लेके आऊंगा, जीएस में कोई स्पेशल टॉपिक है सर्वे सर लेके आएंगे, हिंदी में कोई स्पेशल टॉपिक आपके रमन सर लेके आएंगे और ऐसे ही रीजनिंग का स्पेशल टॉपिक आपके आशीष सर लेके आएंगे। और बिल्कुल परेशान मत होइए, इसी चैनल परीक्षा प्लस पे आपके सारे टॉपिक एग्जाम तक हम लोग आपका लास्ट शिफ्ट तक बिल्कुल साथ हैं और एक एक प्रश्न आपको करवा देंगे, इसकी चिंता नहीं करना है। तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।